आज हमारा नया रॉकेट कुछ जबरदस्त धमाका करने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इस रॉकेट को हमने किस तरह से बनाया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर क्रेजी हैकर। दोस्तों, आज एक और नया वीडियो लेटेस्ट और मजेदार वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक बनाया था शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने एक इस तरह का रॉकेट लॉन्च किया था। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस रॉकेट के साथ में हमने फुल वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका वेट कम होने के कारण ये इतना फास्ट उड़ा कि हमारा कैमरा भी इसको सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए हमने उसका केवल एक शॉर्ट वीडियो ही डाला था। तो आज हम इसी रॉकेट को इस बड़े पाइप के साथ में सेटअप करके फिर उड़ाने वाले हैं, जिससे इसका काफ़ी वेट भी होगा, तो ये रिकॉर्ड भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इसी CO2 रॉकेट को आकाश में उड़ाने वाले हैं। तो हमारे पास में ये पूरा सेटअप तैयार है, इसे हम बनाने वाले हैं, इस CO2 रॉकेट को। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रॉकेट को बनाना। अब इसमें हम फ्यूल के लिए यूज में लेंगे, हमारे पास में है ये CO2 कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, इसमें CO2 गैस भरी हुई है, हाई कंप्रेस करके इसके अंदर डाली हुई है, एकदम लिक्विड फॉर्म में है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि इस CO2 कैप्सूल का यूज किया जाता है एयर गन में और कई जगह इमरजेंसी में, फोर व्हीलर में, गाड़ी में हवा भरने के लिए भी, टायर में हवा भरने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इसमें जो CO2 गैस भरी हुई है, यहाँ पर इसका जो नोजल है, यहाँ से अगर हम इसको पंचर करेंगे तो बहुत हाई स्पीड से इसके अंदर से कंप्रेस्ड CO2 बाहर निकलेगी और वही इस हमारे रॉकेट को थ्रस्ट देगा। और इसके लिए हमने एक और सेटअप ये कुछ इस तरह का बना रखा है, इसी का यूज किया था हमने पिछले वाले वीडियो में भी। इसमें ये इसके ऊपर आगे ये नोक तीखी कर रखी है और इसका सेटअप हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि ये जैसे ही ये इसके अंदर ऐसे फिक्स हो जाता है और बड़ी जोर से ये इस तरह से टकराएगा तो इसका ये ऊपर वाली जो तीखी नोक है ये एकदम इसको पंचर कर देगी और जिसे पूरी की पूरी गैस बाहर आ जाएगी और इसको थ्रस्ट मिल जाएगा। तो हमारा ये इस रॉकेट का पूरा मैकेनिज्म इस तरह से काम करेगा। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर एकदम सेंटर में इसको फिक्स कर देते हैं। हमने CO2 कैप्सूल को यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर दिया है एकदम सेंटर में। अब ये जैसे ही इसके अंदर ऊपर तेजी से गिरेगा तो इस CO2 कैप्सूल को पंचर कर देगा और इससे जो गैस निकलेगी उससे ये रॉकेट आकाश में उड़ जाएगा। तो चलिए अब हमारा सेटअप एकदम लगभग तैयार है, अब इसको फाइनलाइज करना है, इसके ऊपर वाला हिस्सा बनाना है और नीचे इसके जो विंग्स हैं वो लगाना है, बाकी हमारा ये पूरा का पूरा सेटअप तैयार। तो चलिए इसको भी हम फाइनल कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे ये रॉकेट 3 दिन की मेहनत के बाद में इस तरह से तैयार हो गया है, पूरा सेटअप तैयार है। ये लॉन्चिंग पैड भी हमारा तैयार है, इसमें लोड करके जैसे हम जोर से पटकेंगे तो ये लॉन्च हो जाना चाहिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से लॉन्च होता है। We'll be right back.
बार के असफल प्रयासों के बाद में फाइनल हमने इस तरह का मॉडल तैयार किया है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमने कई सारे मॉडल्स बनाए और हर बार हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया, लेकिन इस बार हमने पूरी मेहनत करके इस रॉकेट को बनाया है, तो इस बार ये शायद उड़ना चाहिए। चलिए इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो फाइनली दोस्तों आपने देख लिया कि हमारा रॉकेट कितना जबरदस्त तरीके से ऊपर उठा था। तो थैंक्स दोस्तों, ये था हमारा आज का CO2 रॉकेट का वीडियो। फाइनली ये सक्सेसफुल मिशन रहा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कर देना। और जाते जाते एक बार आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर क्रेजी हैकर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के साथ में।